आज की वीडियो में बात न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की करेंगे, जहां एक तरफ मीडिया असल मुद्दों पर डिबेट नहीं करता और गोदी मीडिया की डिबेट में समस्या का समाधान भी कम ही होता है, तो दूसरी तरफ संदीप अपने डिबेट में जनता के मुद्दे उठाते हैं और बीजेपी प्रवक्ता से सवाल कर समाधान की उम्मीद भी करते हैं। न्यूज 24 पर उत्तर प्रदेश में गन्नों के दामों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से गन्नों के दाम कम होने को लेकर सवाल उठाए, जिस पर नेता बात को गोल मोल घुमाने लगे, पर एंकर ने उन्हें अपने सवालों में घेर लिया। गन्ने की बात कर रहे हैं, 370 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम करेंगे, आपके 2017 के घोषणा पत्र में था? मुझे लगता है कि एक बार वहां की नहीं था। हाँ, या नहीं जवाब है ना, मैंने कहा ना मेरे संकल्प पत्र को एक बार पढ़ना चाहिए सबको। नहीं, 370 रुपए गन्ने की कीमत करेंगे, ये आपके घोषणा पत्र में था कि नहीं था? सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा, और वो हमने अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में माफ कर दिया था। लघु एवं सीमांत किसानों का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा, वो हमने शुरू कर दिया है। बताइए, 370 एक मिनट मनीष, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, ये तो कानून है, 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो ब्याज देना होगा। आज तक शुगर मिलने, किसी भी चीनी मिलने 119 है उत्तर प्रदेश में, एक रुपया भी ब्याज का भुगतान किया हो तो मुझे बताइए। मैं उस पर भी आ जाता हूँ, लेकिन आपने जो कहा कि हमारे संकल्प पत्र पे क्या क्या था, नहीं नहीं आपके माध्यम से। न्यूज 24 पर यूएनजीए में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कुछ सवाल किए, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए, जिस पर एंकर ने उन्हें आईना भी दिखाया। कि भाई देखिए, कमला हैरिस ने जब कहा वी नीड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यू, इशारा हमारी तरफ था, क्योंकि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को मजल करने की, दबाने की कोशिश करती है, और इस बात पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मोदी विरोध में देश विरोधी मत बन जाइए। नहीं नहीं, सवाल पूछना देश विरोधी नहीं होना होता। अमेरिका में एक बड़ा धड़ा है डेमोक्रेटिक पार्टी में, वो ये सवाल उठा रहा है कश्मीर को लेकर, सीए को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, सवालों के जवाब देने होंगे। कल जब कमला हैरिस ने डेमोक्रेसी को लेकर कुछ शब्दावली का प्रयोग किया था, इशारा पाकिस्तान की तरफ था। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो बीजेपी को डिफेंड करेंगे ना, इसमें अंधभक्ति की बात नहीं है। हम पत्रकार हैं, हम सवाल पूछेंगे। संदीप जी, एक बात आपको माननी होगी, आप हर चीज में नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करेंगे। कटघरा नहीं होता, ये आपको लगता है, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं। न्यूज 24 पर ही बिहार के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने एक विषय में बीजेपी प्रवक्ता को सवाल किया, अपने जवाब में नेता सरकार का बचाव करने लगे तो संदीप ने उन्हें अपने सवालों में घेर लिया। बेटे बेटी बहू दामाद सबको ठेके मिल रहे हैं। बेटे बेटी बहू दामाद, मैं संदीप जी, आपके को आपका बेटा, आपका बहू, आपका दामाद कोई कोई व्यवसाय नहीं करता होगा क्या? आप अपने प्रभाव से कुछ दिलवा पाते हैं क्या उसको? मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा, कोई प्रभाव नहीं, हर नेता ठेका योजना नहीं है। आप भी प्रभावी व्यक्ति हैं, कई पत्रकार हैं जो काफी प्रभावी हैं, सरकार में भी बैठते हैं सर, सभी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और प्रक्रिया में शामिल होने के बाद वो 10 पैसा अगर ईमानदारी से कमा रहे हैं। अच्छा, ये तो प्रक्रिया का नाम क्या है, भ्रष्टाचार की प्रक्रिया? दूसरी बात, पूरी नल जल की योजना कितने की है और कितने लोगों का नाम आपने गिना है, पूरा अमाउंट कितना है? अभी तो अंग्रेजी में कहते हैं ना अखिलेश बाबू, टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी क्या झलक दिखी है, ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म पूरी आएगी ना, पूरी फिल्म भी रिलीज होगी, धीरे धीरे पर्चे खुलेंगी, जांच होगी इसकी, अगर जांच होगी, जांच होगी, उप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं मनगढ़ंत आरोप है। न्यूज 24 पर किसान और मजदूर की आमदनी को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप चौधरी ने कुछ आंकड़ों के साथ बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता सरकार की योजनाओं की तारीफ करने लगे, पर संदीप ने किसानों की परेशानियों को भी देखने की बात कही। मतलब आपकी सरकार कह रही है और हो ऐसा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, पर दोगुनी का मतलब क्या निकलेगा? 27 रुपए प्रतिदिन की जगह अब 54 रुपए प्रतिदिन कमाने लगेगा किसान, दोगुनी इनकम का मतलब ये हुआ क्या? जी, एक मिनट के अंदर रखना, मैं अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें संदीप जी, तो इनकम फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन और कल्टीवेशन पर एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड वो 3,798 रुपए है 2018-19 की बात कर रहा हूँ, जो कि 12-13 के कंपैरिजन में 23% अधिक है। पहला, आपने एक पक्ष की बात की, इस पक्ष की भी बात करनी चाहिए जो बढ़ोतरी हुई है, मतलब 27 रुपए से 54 रुपए हो जाएगी किसान की आमदनी, कह दिया जाएगा दोगुनी हो गई आमदनी।
नहीं 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 संदीप जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और करना चाहिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि छोटा किसान बने देश की शान, मैं चाहूंगा ऐसा हो, यह हकीकत में तब्दील हो। आपको संदीप की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।